अगर तुम्हारे इस खून का इल्जाम को अपने सर पे ले ले तो तुम क्या दोगे उसको? यही मौका है अपनी मौत को भुनाने का। चीते जी, तो तू अन्नू के लिए कुछ कर ना पाया, लेकिन अब एक मौका आया है कि तू अन्नू को चाहते चाहते दौलतमंद बना चाहे। भैया, विभूति ने कांति लाल नाम के आदमी को खून कर दाओ। क्या? मेरी एक बात भी जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपके पति को फांसी से कोई बचा नहीं सकता। अरे महाराज, तुमने का तोता पाल लो यार। दरोगा हप्पू सिंह जी, कुछ तोते ऐसे होते हैं जो पाले नहीं जाते, खुद ब खुद पल जाते। तुम्हें पता है, आदमी अपनी किस्मत खुद लिखते है, समझे? लेकिन मेरी किस्मत तो हालात ने लिखी है, सर्कमस्टेंसेस ने लिखी। अरे तो ऐसे कौन से हालात आ गए थे तुम्हारे सामने सर, सीधो सीधो मर्डर ठोक दो। अरे कछु छोटो मोटो कांड करो हो तो तुमने ससुर, तो हम कछु ले देते, कछु मामलो रपू दपू कर देते। अब तो हम कछु नहीं कर पा रहे। मैं कहां कुछ करने के लिए कह रहा हूं आपसे, आप ड्यूटी कीजिए बस अपनी। और विभू, ये क्या कर लिया तुमने? अल्लू बेबी, कोई भी इंसान मुजरिम शौक से नहीं बनता, उसे मुजरिम बनाते हैं उसके हालात, उसकी मजबूरी। लेकिन आप पर ऐसे कौन से हालात आ गए जो खून करने की जरूरत हो गई? अरे जी, मेरी जो कहानी है बहुत दुख भरी, आप सुनेंगे तो आपके तोते नीले हो जाएंगे, आपका दिल छाती से निकलेगा, फड़कने लगेगा बाहर। अगर ऐसा है तो फिर रहने दो। लेकिन हम कहाँ बोल रहे हैं, एक बार किसी का खून करने से पहले अनीता जी के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए था ना आपको। अन्नू के बारे में नहीं, मैंने आपके बारे में भी सोचा था। क्या बोले? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने मर्डर किया है ये अन्नू के बारे में सोच के किया, बल्कि जो मैंने मर्डर किया है ये अन्नू के लिए किया। तुमने ये खून मेरे लिए किया है? यस। देखो, तुम पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ तुमने ये खून क्यों किया है। अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं अपना सर इन सलाखों से पीट पीट कर अपनी जान दे दूंगी। अरे बताइए ना, बताते काहे नहीं है? एक तो वैसे आपकी वजह से भाभी जी इतनी दुखी है, ऊपर से इतना मेलो ड्रामा करके भाभी जी को और दुखी कर रहे हैं। दी तेरा तिवारी जी, क्या है जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ ना, आप क्यों फैल रहे हैं इतना? वो प्लीज बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने ये खून क्यों किया। अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं मैं इस दरोगा का बेजा उड़ा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों ना लटकना पड़े। अरे जो 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 जो, जो क्या कर रहे हैं गोरी मैम, अगर हम मर गए तो हमारे नौ ठगे बच्चा प्रेग्नेंट बीबी को कहो वो नीचे कर लो। चुप रहिए आप, मेरे सर पर खून सवार है। अरे बता दे भूति जी, अब बता दीजिए ना, ना ही तो बेचारे मुफ्त में टाइम भूल लेंगे। हाँ भाभी जी, बता रहा बता रहा। एक्चुअली मुझे बहुत खतरनाक बीमारी, और मैं 2-3 महीने में टाइम भूल जाऊंगा। मैं इसी बात को लेके बहुत दुखी था, नहीं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें दिया क्या, सिवाय जिल्लत के, परेशानी के, तकलीफ के, दुख के, मैंने दिया क्या। हाँ वो तो है। अपने आप को तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए मैं गुलफाम का लेके कोठे पे जब अपने आप को गिरा के बाहर आ रहा था तो मैंने चुनाव सेठ को कांति लाल का खून करते हुए देखा। इसका मतलब देखो, तुमने खून नहीं किया है? No, वो खून तो कानपुर के सबसे बड़े रईस, सबसे बड़े बिजनेसमैन चुनाव सेठ ने किया बेबी। लेकिन फिर उसके खून का इल्जाम आपने अपने सर का ले लिया? क्योंकि चुनाव सेठ ने मुझे ऑफर दी थी कि अगर मैं ये खून का इल्जाम अपने सर ले लेता हूँ तो वो मेरी बीबी यानी अनु के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं जिंदा रह के तो अनु के लिए कुछ कर ना पाया, मर के कुछ कर दूं, so I accepted that deal।
पार्वती ये सब करने की क्यों किया तुमने ऐसा? सही बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख आ गए ना? नहीं आए मेरे अकाउंट में कोई पैसे, और अगर आते भी ना तो मैं ऐसे पैसों को आग लगा देती। हाँ वो सब तो ठीक है प्रभुति जी, लेकिन ये आपको किसने बताया कि आप 2-3 महीने में टाइम बोलने वाले हैं? भाभी जी मैं इतना बड़ा डम नहीं हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, मेरे टेस्ट चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं 3 महीने का मेहमान हूँ, नॉट मोर देन दैट, आई एम अ गोनर। अरे भैया दरअसल वो रिपोर्ट किसी और आदमी की थी, उसका भी नाम इत्तेफाक से विभूति नारायण मिश्रा था। आपकी रिपोर्ट तो मेरे हाथ में, और ये सारी गलतफहमी जो हुई है ना हमारे क्लिनिक में जो आदमी काम करता है ना उसकी बेवकूफी की वजह से हुई, उसने ये रिपोर्ट गड़बड़ कर दी। आपकी रिपोर्ट मेरे हाथ में और बिल्कुल क्लियर है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल एक हल्के किरदार में सांड की तरह है, एकदम फिट है आप। मम्मी विभु यू आर ओके। डॉक्टर साहब ये क्या है, आपकी लापरवाही की वजह से मेरा विभु आज मुसीबत में फंस गया है। अड्डू अड्डू मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता अड्डू, प्लीज सेव मी अड्डू अड्डू। डॉक्टर जी आपने सब बातें सुन ली है, आपको पता है कि खून विभु ने नहीं किया है, अब विभु को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। हाउ 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 गोरी मैम, जब नली तो नीचे कर लो, छाती की सीध में आ रही है सो तो। ओ ओ ओ ओके सॉरी। हाउ हाउ गोरी मैम हमारी बात आप ध्यान से सुनो, हम का कह रहे हैं कि सारे सबूत भैया विभूति के खिलाफ हो गए हैं, और वो धीको लट सारो चुनाव से माने भैया विभूति के खिलाफ खुद केस फाइल करी है, और अब तो चार्जशीट भी अदालत में दाखिल हो गई है, अब गोरी मैम कछु नहीं हो सकते, इन्हें अदालत तो जाने पड़ेगा। हाँ लेकिन गोरी मैम एक एक काम हो सकता है, आप एक बढ़िया सो अच्छो वकील कर लो, नहीं तो भैया विभूति तुम निकल लो। भाई वकील के पास तो गए थे वो बिट्टू मुतरेजा के पास, लेकिन उसने केस लेने से साफ इनकार कर दिया। गौर गौर मैम कहाँ से लाऊं अच्छा वकील? क्या विभूति भैया जस्ट रिलैक्स। भाई माँ चरण स्पर्श, खुश रहिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं भाई माँ, कहीं नहीं, विभूति भैया का केस मैं लड़ूंगा, एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना BA LLB फ्रॉम आगरा। लेकिन आप तो आगरा पागल खाने में थे ना? जी मैं पागल खाने में था, उसी दौरान मैंने LLB का कोर्स किया। ओ चलिए अब तो भगवान ही ने बचाएगा। I like it. सक्सेना जी देखिए मेरी सिंदूर का वजूद अब आपके हाथों में। भाभी मैं मुझे आपके सिंदूर का वजूद तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुनिए मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ भाभी माँ आपके सुहाग को मैं फांसी के तख्ते तक नहीं जाने दूंगा। देखिए सक्सेना जी होश से काम लीजिएगा, ये कोर्ट है, यहाँ आपकी पागलपंती कतई नहीं चलेगी, कतई नहीं। अरे भैया किसे समझा रहे हैं आप हैं? इस कोर्ट में 10 साल गुजारे मैंने, 10 साल, लोग मुझे कानून का कीड़ा कहते थे, कीड़ा। कानून का तो पता नहीं लेकिन आप कीड़े जरूर हैं। आई लाइक इट। ऐसा है भैया कि बड़े से बड़ा केस, खतरनाक से खतरनाक केस, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने चुटकियों में जीते हैं, समझे आप? तो फिर सक्सेना जी आप ई कोर्ट छोड़ का है दिए? अरे वो पहनने वाला कोर्ट होता है पगली, ये कोर्ट है, तुम कोर्ट कह सकती हो, ठीक है? सही पकड़े हैं, अब हमको बताइए ना काहे छोड़ दिए ये कोर्ट? क्या बताऊं भाई मां आपको, ये बहुत लंबी कहानी है। ओह प्लीज सक्सेना जी आप लंबी कहानी मत छेड़िए, आप केस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, देखिए पढ़िए केस के बारे में। अरे भाभी मां जस्ट डोंट वरी, भरोसा रखिए आप मुझ पे, हैव फेथ इन मी प्लीज। नमस्ते मुतरेजा साहब।
पगले तुम। अबे मिट्टू साले तू। तो मतलब तू है उस खूनी का वकील, तब तो उसे फांसी पर चढ़ने से भगवान भी नहीं रोक सकता। क्या बात है, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी वकालत पे, हैं? भूल गया वो दिन, लॉ वाले दिन, जब हम दोनों लॉ कर रहे थे और तू मेरे पास आके अक्सर कानून के दाव पेच मुझसे सीखता था और मेरे गुर्दे सहलाता था। वो दिन और थे पगलेट, वो दिन और थे। आज मैं कानपुर का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। शुक्र मना के एक हादसे की वजह से मुझे पागल खाने जाना पड़ गया उस वक्त, वरना आज तेरी जगह मैं होता। पर चिंता मत कर, मैं आ गया वापस फिर से ये काला कोट पहन के। तो ये काला कोट पहन के तू क्या घुइयां उखाड़ लेगा? मैं क्या क्या उखाड़ूंगा ये तो तू अपनी आंखों से देखेगा। मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। धज्जियां तो तेरी मैं उड़ाऊंगा पकलेट। नीच आदमी साला। कन्ना लीचर। कुत्ता। तू कुत्ता। सक्सेना जी क्या है, सारी लड़ाई आप यही कर लेंगे क्या? जब वक्त होगा लड़ने का तब लड़िएगा ना। भाभी जी हमने तो पहले ही कहा था, हम इस पगलेट पर कतई भरोसा नहीं। कहा था ना हमने आपसे, कहा बता। बैठी, बैठी, आप बैठी। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बैठिए बैठिए, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। विभूति नारायण मिश्रा हाजिर हो। दिया, बेचारे विभूति जी को हथकड़ी पहना कर ला रहे, हमसे तो देखा ही ना ही जाता है। तब का जिम्मेदार विभू खुद है अंगूरी जी। शांत हो जाइए भाभी जी, शांत हो जाइए। इट्स ऑल राइट, फांसी हुई नहीं मुझे, अभी अभी जिंदा हूं मैं। हेलो भरभूति जी, हेलो। हेलो भाभी जी। कैसे हैं बा? अभी अच्छा नहीं हूँ, शेर में बड़े मच्छर थे। तो अच्छा वो खटमल थे कि पीछे पकड़ कर रखा, वरना मच्छर तो मुझे उड़ा के ले जाते हैं भाभी जी। हाय दिया, हाय दिया। चुप रहो, क्या हाय दिया हाय दिया कर रही, कोर्ट चल रहा है, शांत रहो थोड़ा। भाभी जी बताइए। ऑर्डर ऑर्डर, सरकारी वकील वटेश्वर मुत्रेजा केस पर रोशनी डालें। लॉर्ड, ये शख्स जो इस कटघरे में खड़ा है, ये देखने में निहायत ही मासूम लग रहा है। आपको ये शख्स किस एंगल से मासूम लगता है? मुझे तो ये शख्स से बड़ा चालू लगता है। ऑर्डर ऑर्डर। मलखान, लगता है जस्ट साहब है ना खाने को ऑर्डर कर रहे हैं यार। जस्ट साहब, मैं छोले चावल खाऊंगा। अब मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, कसम से कह रही हूँ। जैसा मैं तंदूरी चिकन खाऊंगा। ये कौन बदतमीज लौंडे कोर्ट में घुस आए हैं? हैं? ये कोर्ट है, कोई होटल नहीं है। जरा बदतमीजी करोगे कान पकड़ के अदालत से बाहर फिकवा दूंगा। Well said. Shut up. मिलोर्ड, ये शख्स जो कटघरे में खड़ा है। अरे हाँ भाई, खड़ा है, बैठा नहीं है, लेटा नहीं है। आप क्यों बार बार एक बात को दोहराए चले जा रहे हैं? सिर्फ मुद्दे पर आइए ना। आ रहा हूँ। अरे तो कब आएंगे? कोर्ट टाइम खत्म हो जाएगा तब। नहीं नहीं, अभी आ रहा हूँ। तो आइए। आ रहा हूँ जज साहब, अभी आ रहा हूँ। ये शख्स एक कातिल है, इसने कांतिलाल नाम के शख्स का कत्ल किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन। मेरे फाजिल दोस्त कत्ल के क में नुक्ता नहीं लगा रहे हैं, वो कत्ल होता है ना के कत्ल। बताइए नुक्ते पे ऑब्जेक्शन इस आदमी को, क्या फांसी लगने की नौबत आ गई है? मिस्टर सक्सेना, ये कोर्ट है, कोर्ट उर्दू की क्लास नहीं है जहां आप नुक्ते के ऊपर नुक्ता चीनी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इस शख्स ने सरेआम चाकू घोप कर कांतिलाल का कत्ल किया है, जिसके गवाह मिस्टर
विक्रम चेन्नई। जज साहब ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दिस मैन इज लाइंग टू हिज टीथ। खून मैंने नहीं किया जज साहब, खून इसने किया, इस चुनाव सेठ ने कांतिलाल का खत्म किया है सर। ऑर्डर ऑर्डर, आप खामोश रहिए, कैरी ऑन। जज साहब ये मेरे करियर में पहला वाकया है जब एक कातिल एक गवाह पर ये इल्जाम लगा रहा है कि वो कातिल है, जबकि विक्रम कानून की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उसने कत्ल होते वक्त इनकी फोटोग्राफ खींची और दारोगा हप्पू सिंह को भेज दी। मैं इस बात की तस्दीक करने के लिए विक्रम जी और दारोगा हप्पू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अरे भाई तो बुलाइए ना। विक्रम चिनोय, ओ दरोगा हप्पू सिंह हाजिर हो। हम कसम खा के कहते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हम कसम खा रहे हैं जो कहेंगे, सच के अलावा कछु ना कहेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर विक्रम चन्ना जी, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? जैसा मैं अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहा था कि मैंने रास्ते में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि ये आदमी उस आदमी का कत्ल कर रहा था। जैसा भी आदमी झूठ बोल रहा है, आप मेरे यकीन क्यों नहीं करते? कत्ल इसने किया था, इसने किया था, कांदीलाल का खुद इसने किया था सर। ऑर्डर ऑर्डर, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी आप खामोश रहिए, चुप। हाँ कैरी ऑन। फिर जज साहब मैंने अपनी जेब से अपना 22 मेगापिक्सल वाला डुअल कैमरा वाला मोबाइल निकाला और इस शख्स की मैंने तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी। व्हाट अ शो ऑफ। आप देखते हैं महाराज, किसी भी शख्स की तस्वीरें खींचना बिना इजाजत कानूनन जुर्म है। अनु तुमने किस पगलेट को मेरे पल्ले बांध दिया यार, ये तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के दम लेगा। बाय गॉड। सक्सेना जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जिस बात पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए उस बात पे आप ऑब्जेक्शन लेते नहीं है, फालतू की बात पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं आप। ऑर्डर ऑर्डर। मैडम आप बैठ जाइए, गलती आपकी है, आपने इस पागल को अपना वकील अपॉइंट किया है। आई लाइक इट। ये फोटो वाला ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, कैरी ऑन। हाँ तो विक्रम जी उसके बाद आपने क्या किया है? तस्वीरें खींचने के बाद जैसा मैंने वो सारी की सारी तस्वीरें क्लाउड पे अपलोड करके दरोगा हप्पू सिंह जी को भेज दी। क्या बात है। 4G है हमारे पास। अनदर शो ऑफ। हाँ तो दरोगा हप्पू सिंह जी, आपने उस पिक्चर्स को पाने के बाद क्या किया है? जज साहब सबसे पहले तो हमने अपनी कपड़ा उतारे। हैं? नहीं हमा मतलब है कि हम एक पार्टी में हती तो हमने अपनी पार्टी वाले सबसे पहले कपड़ा उतारे और वर्दी को धारण करो। फिर बाकी बात हमने सीधो विभूति नारायण मिश्रा को धर लो, मतलब अरेस्ट कर लो। सक्सेना साहब आपको कुछ इनसे सवाल करने हैं? जी माय लॉर्ड। तो कीजिए ना, कोई मुहूर्त निकाला जाएगा, पंडित बुलाऊं? मिस्टर विक्रम चिनॉय जी, आपने कहा कि आप जब ऑफिस से वापस लौट रहे थे तो आपने कत्ल होते हुए देखा। जी हाँ जैसा मैंने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा। और जब कत्ल हो रहा था तो आपने ये किया कि आपने अपने मोबाइल फोन को निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, एक शख्स का कत्ल हो रहा है और उस शख्स को बचाने की बजाय मिस्टर विक्रम चिनॉय उस भयानक मंजर के मजे ले रहे थे, तस्वीरें उतार रहे थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस शख्स के हाथ में खंजर था और इसके सर पर खून सवार था, ऐसे में ये मिस्टर विक्रम का भी कत्ल कर सकते थे। जी मिस्टर चिनॉय ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी क्या? हैं? ये चाहते तो हाथापाई कर सकते थे ना। देखिए जैसा मैं एक शरीफ इंसान हूँ और एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन भी हूँ, मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया।
I like it. Point to be noted, my lord. अभी अभी मिस्टर चिनॉय ने भरी अदालत में सबके सामने कहा कि जिंदगी में कभी भी इन्होंने किसी के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा और सबके सामने क्या जोरदार थप्पड़ रसीद किया है इन्होंने मेरे ऊपर। मगर मिस्टर सक्सेना, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इनकी आंखों के सामने एक कातिल कत्ल करता रहा और ये मंजर के मजे लेते रहे, देखते रहे, फोटो उतारते रहे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मुझे कातिल बोल रहे हैं? तुमने किस पगलेट को मेरा केस दे दिया यार? इस तक दलील दे रहा ना ये आदमी, मुझे लगता है कि मुझे विरोधी लॉयर की जरूरत ही नहीं। इसकी दलीलें मुझे पहुंचा देंगी तख्ते तक। सेना जी, क्या है? विभु ने कत्ल नहीं किया है और आप विभु के वकील हैं, भूल गए क्या? ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए बैठ जाइए। कैरी ऑन। सॉरी भाई मां, वो क्या हुआ है ना कि सुबह से मैंने शॉक नहीं लिया है, इसलिए थोड़ा भटक रहा हूं मैं। अगर आप ऐसे बहकेंगे तो भभूति जी टहल लेंगे। अरे ऐसा काहे बोलते हैं आमलेट के भैया का चुनाव होगा भभूति जी को।